अरे भाई, लाइब्रेरी में इतना मातम क्यों है? भाई कल से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। आज की रात इस कॉलेज में हमारी आखिरी रात है। जरा इस रात पर रंग तो छिड़कें। ये लाइब्रेरी है, तारों का अड्डा नहीं। आई एम सॉरी। थैंक यू। खबर मिली है कि यूनिवर्सिटी वैन क्वेश्चन पेपर लेकर प्रेस से ठीक रात 10 बजे निकलेगी। क्वेश्चन पेपर लूट लो। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो कुछ भी किया ठीक किया, लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जो कुछ भी करना है कानून की हद में रह के करना। रवि बेटा। प्रिंसिपल साहब, आप? इसने जो कुछ भी किया है कानून की हद में रहकर किया है बेटा। आई एम प्राउड ऑफ हिम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बेटा मैंने सोचा कुछ समय इस राम कुटीर में क्यों ना बिताया जाए। रघुकुल की रीतें आज भी यहां जिंदा है। सर ये सब तो आप गुरुओं की बख्शीश है। बेटा गुरु तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, इम्तहानों के सफर तो शिष्य खुद तय करते हैं। रघुवीर, भगवान करे जीवन के हर इम्तहान में तुम हमेशा अव्वल रहो। गॉड ब्लेस यू। You can't adopt another mean. तुम इस तरह नकल नहीं कर सकते। चलो प्रिंसिपल के पास। मेरा बाप इस कॉलेज का चेयरमैन है, मालिक नहीं। अरे जा, जाकर अपने जख्म का इलाज करवा जो रात को दिया है। मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो बाजू काटकर फेंक दूंगा। बिट्टू, बात करने की तमीज सीखो। अच्छा हुआ तुमने अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया। मैं तुम्हें इसी वक्त कॉलेज से रेस्टिकेट करता हूं। रेस्टिकेट? अरे बुड्ढे, हमारे ही टुकड़ों पर पलता है और हमें ही आंखें दिखाता है। हाँ। Ah!
एग्जामिनेशन हॉल में दंगा फसाद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ और सरकारी ड्यूटी दे रहे कॉलेज के प्रिंसिपल पर कातिलाना हमला, इन सब गुनाहों को मिलाकर कितनी सजा बनती है आपको मालूम है मिस्टर झुंझुनवाला? अजी मैं तो कहता हूं अपराधी को फांसी पर उल्टा लटका दीजिए, सजा दीजिए, लेकिन कानून तोड़ने वाले को, बेगुनाह को नहीं। मेरा बिट्टू तो बिल्कुल मासूम है, गाय है गाय। आप इन्हीं से पूछे जिनके साथ वारदात हुई है, क्यों प्रिंसिपल साहब आप चुप क्यों हैं? जी कानून तोड़ने वाला अपराधी तो रघुवीर है साहब। नहीं सर, सर सर ये झूठ है सर, सर ये झूठ है। बिट्टू ने तो मुझे बचाया, ये मेरा लिखित बयान है, प्लीज साइन हियर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे प्रिंसिपल हाथ हिलाओ, बाहर खड़ी कार में बैठो एसी ऑन करके। नहीं सर। लिखो। हाँ नहीं सर, नहीं। हवलदार, आई एम सॉरी डैड। सॉरी क्यों बेटा, इस कारावास में तो बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, और इस शुभ काम के लिए इंस्पेक्टर साहब का धन्यवाद करो। थैंक यू इंस्पेक्टर। यू आर वेलकम। हाउ डैड, यू बास्टर्ड। ए ज्यादा टाई टाई की तो देख ले जा डंडा, तेरी खाल में बारूद भर के फलीता लगा दूंगा। और तुम कर भी कह सकते हो रिश्वतखोर कुत्ते। दाम उसी चीज के लगते हैं जो कीमती होती है, तेरा क्या लगेगा? उसका तो बाप था जो उसे छुड़ा कर ले गया, तेरा भी कोई आगे पीछे है? या कचरे के ढेर से निकला था हरामी? मैं फूंक के रख दूंगा सबको। फड़फड़ा और पंख मार। ये जो पिंजरा है ना, जब भी तेरे जैसा नया पंछी इसमें आता है ऐसे ही फड़फड़ाता है, ऐसे ही। बच्चों तेरा पाला थानेदार गुरबचन सिंह से पड़ा है, मैंने अमृतसर और गुरदासपुर के बड़े बड़े थाने चलाए हैं, ऐसी FIR लिखूंगा कि पूरे का पूरा इंडियन पेनल कोड तेरी चमड़ी पर चिपक जाएगा। अब देखना कानून का शिकंजा। आरती तुम गजब हो गया, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। इतनी घबराई भी क्यों? देखो देखो रघुवीर हवाला से बंद है, कॉलेज में उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया और मैं। झगड़ा? हाँ एग्जाम में भी डिस्टर्ब हुआ सर, पुलिस वालों ने बिट्टू को छोड़ दिया और सारा इल्जाम रघुवीर पे डाल दिया। इसलिए कि बिट्टू का बाप कॉलेज का चेयरमैन है और बहुत पहुंच वाला है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं आम ऑफिसर, बड़े लोगों से झगड़ा, मैं उसे छुड़ाऊंगा कैसे? हम छुड़ाएंगे उसे। अरे भाई जवान छोकरे छोकरियां झगड़ा फसाद नहीं करेंगे तो क्या हम लोग करेंगे? और फिर रवि अब तुम हमारे आदमी हो। हाँ और हमारे ही राज में हमारे ही आदमी को कोई आंच आए तो फिर किस काम किया ये सुसरी नेतागिरी? अरे मखीजा जी साहब जरा पुलिस स्टेशन में घंटी बजाओ। हेलो ये साहब। ओके साहब। नो साहब जी, नो साहब जी, नो माय फॉल्ट साहब जी, माय फॉल्ट। ओके साहब यू विल गेट इट डन साहब जी। मरे गए गुरबचन सिंह। आइए माँ बाप आइए, मुझे क्या पता था कि मैंने अपनी सरकार को बंद कर रखा है। हाँ साहब आप एक बार हुक्म करते कि आप बड़ी सरकार के भतीजे हैं तो मैं उस साले झुंझुनू वाले का झुंझुनू बजा देता। हाँ बैठिए ना जनाब, बैठिए। ये कुर्सी किसके लिए है? साहब आप ही के लिए है। ये देखिए, हाँ ये FIR है ना साहब, मैं FIR ही फाड़ देता हूँ। हाँ और जनाब आपका हुक्म हो तो मैं ये पूरे के पूरे रजिस्टर का ओम भूर भुआ स्वाहा ही कर देता हूँ। फिर उखाड़ ले झुंझुनू वाला जो उखाड़ सकता है। सॉरी लैंग्वेज प्रॉब्लम साहब, लैंग्वेज। सुनो अंदर से दिया अगरबत्ती लाकर आरती उतारो इनकी। सुबह कॉलेज गए थे एग्जाम देने और लौट के आए पुलिस स्टेशन से, पूरी व्यवस्था को बदलकर देश का उद्धार करेंगे। किस इंकलाब की ठेकेदारी लिए जरा पूछो अपने लड़ने से। देख क्या रहा है तू, तोड़ने चला है सिस्टम को तू अकेला? क्या है तेरे पास? रघुवीर मैंने तुझे पहले ही हिदायत दी थी कि कानून की हद से बाहर बच जाना, तेरी इस हरकत ने
तेरा करियर बर्बाद कर दिया है। अगर कहीं अन्याय है तो उसके लिए न्याय की व्यवस्था है, पुलिस है। देखी मैंने पुलिस और इसकी व्यवस्था, जिसे उनके रक्षक ही लूटते हैं ये बड़े बड़े लोग। कौन बड़े बड़े लोग? यानी मंत्री जी जिन्होंने तुझे छुड़ाया। अरे एहसान मान उसने एक इंसान का, वरना पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद अपना चेहरा नहीं पहचान पाता तू। तो मार कर काट देते मुझे भाई। आप जो मर्जी कहिए भैया, मैंने फैसला कर लिया कि आज के बाद मैं किसी जालिम के सामने आंखें मूंद कर नहीं जीऊंगा। क्या करेगा तू, दंगे ही बनेगा इश्तिहारी मुजरिम। अरे याद रखना, अगर ये खुराफा तेरे दिमाग में है तो मेरे यहाँ तेरी गर्दन का शिकंजा होंगे। बच्चों के साथ इतना सख्त व्यवहार अच्छा नहीं है। कुछ नहीं बिगड़ा, अगले साल इम्तिहान में बैठेगा तो सुधर जाएगा। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। मुझे माफ कर दो रघुवीर, माफी मांगने से सब कुछ वापस तो नहीं आएगा सर। आप तो मेरे आइडल थे, मैंने उस वक्त आपका साथ इसलिए दिया क्योंकि आप उसूल के लिए लड़ रहे थे। मैंने सच्चाई का साथ देना चाहा, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? गुरु होकर इस तरह की गुरु दक्षिणा ली? रघुवीर बेटा, मैं तुम्हारा गुरु जरूर हूं, लेकिन एक अकलौती मासूम बच्ची का बाप भी हूं जिसे इन लोगों ने किडनैप करके मुझे ये धमकी थी कि अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ बयान ना दिए तो मुझे मेरी बच्ची की लाश गटर में मिलेगी। अपनी बच्ची की मौत का सुनकर मैं कमजोर बाप बनकर रह गया, गुरु के रुतबे से बहुत नीचे गिर गया बेटा, बहुत नीचे गिर गया। मुझे माफ कर दो रघुवीर, मुझे माफ कर दो। नहीं सर, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। हमारे देश में शिष्य गुरु के पैर छूते हैं, गुरु शिष्य के नहीं। रघुकुल में ऐसी रीत नहीं है सर। रघुवीर, रघुकुल की रीतों को निभाने के लिए राम चाहिए। कहां है राम? धर्म कर्म परंपराएं सब मर चुकी हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। कहां है राम? कहां है राम रघुवीर? अगर यह प्रिंसिपल जिंदा रहता तो रघुवीर को सारे राज बता देता। अब यह चश्मदीद गवाह भी दफन और सारे राज भी दफन। प्रिंसिपल साहब की मौत का हम सबको अफसोस है, लेकिन क्या करें, जन्म और मरण यही तो सत्य है, बाकी सब झूठ। जिन्होंने अपराध किया बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और उन्हें अपने किए की सजा भी मिलेगी। कानून जो है ये पहली बार नहीं हुआ है, हर रोज ऐसे ही हजारों बेबस गरीब लाचार मारे जाते हैं। जालिमों ने पूरे देश का चेहरा ही लहूलुहान कर रखा है। बाप की वसीयत समझ रखी है इन हरामियों ने कि ये कुछ भी करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। आखिर कोई तो है जिसने अपनी जान हथेली पर रखकर जुल्म को मिटाने की ठान ली है, और वो है हमारा रघुवीर। हमारा कसम है इस तिरंगे की, इस जंग में आज से तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब लेटेस्ट आर्म्स का लॉट पूरा एक ही हफ्ते में बिक गया बॉस, ये लो खोका। रघुवीर, ये
रघुवीर। इन्हीं हाथों से तुम पुलिस के कुत्तों को खरीदते हो ना? नहीं नहीं। इन्हीं हाथों से तुम आतंक का नंगा नाच नचाते हो ना? नहीं। इन्हीं हाथों से तुम मौत के काले वारंट लिखते हो ना? इन्हीं हाथों से तुमने मेरी प्रिंसिपल की हत्या की थी ना? ये तेरी चीख नहीं, रघुवीर के जंग की नगाड़े की पहली चोट है। मैं हूं आपका दरिया, मैं उल्फत का गीत युगों से निभाए जो रघुकुल गिरी। मिटा दूंगा जग से इस सुन का अंधेरा, मैं रोशनी का आशिक, मेरा नाम रघुवीर। हाँ रघुवीर, उसने मेरे बेटे के दोनों बाजू तोड़े, मेरे आदमियों को मारा और हम सबको खत्म करने की धमकी भी दी। दुश्मन ने तो अभी दूध के दांत ही निकाले है, बच्चा है। आप हंस रहे हैं अजी, ऐसे बच्चे को तो आग में झुलसा देना चाहिए, तभी होगा मेरा कलेजा ठंडा। आखिर हमारी भी कोई इज्जत है, हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी। आखिर फंड्स में मुंह मंगा चंदा देते हैं हम। चंदे का पंगा मत खड़ा कर झुनझुन वाला, चंदे से यतीम खाने चलते हैं, राजनीति नहीं, समझा? गुस्सा नहीं नीति राम, गुस्सा नहीं, अपने दिमाग पर ठंडक छड़क। क्या नाम बताया उस सफोले का? हाँ रघुवीर, उसका कुछ तोड़ सोच। उसका तोड़ तो मैंने सोच लिया है, उसका तोड़ होगा मेरा छोटा भाई गणपत गजानन। सुना इस इलाके में एक बहुत बड़ा सूरमा रहता है जिसे तुम लोग अपना मसीहा मानते हो, हाँ? जाकर उसे बोल के तुझे वो गणपत के जुल्म से बचाए। जाकर बोल अपने मसीहा को। ए जबरू, जाने दे यार इसे, जाने दे, चल जाना अपने मसीहा को बोला। इस पे गणपत ने अपनी मोहर लगा ली है, वो आएगा, जरूर आएगा। कौन थे वो लोग? Thank you.
रघुवीर घबरा मत, उसने तेरे चेहरे पे जख्म नहीं दिए, मेरे सीने में दुश्मनी का बीज बोया है, घबरा मत, तू घबरा मत। जिंदगी में पहली बार कोई ढंग का दुश्मन मिला है, तो देखना मैं तेरे लिए उसकी जिंदगी में कैसे कैसे जख्म भर देता हूँ। हमारे इलाके में आते ही उसके जुबान पे बस एक ही नाम था, रघुवीर। क्यों? यानी कि उसकी दुश्मनी बस्ती के लोगों से नहीं, हमसे है। इसका मतलब वो कोई मामूली सड़क छाप गुंडा नहीं, बल्कि एक मोहरा है उस दुश्मन का जिसकी हमें तलाश है। और उस दुश्मन को ढूंढने के लिए इसे ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके कदमों के निशान हमें उस दुश्मन तक ले जाएंगे। Take it easy, baby. आज माल की सप्लाई धारावी वाले अड्डे से होगी, और एक बात और, आज रात को सब काम पूरा हो जाना चाहिए, समझे?